बहुत अच्छा लगा ये। दूसरा भी देखे ना कि जब भी हम किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं तो अगर हमें दशा देखना है तो हमें तीन दशा को ज्यादा महत्व देना है, महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतरदशा। जैसे खुशबू जी ने बताया कि एक आत्मा के लेवल पे चर्निंग होती है, मन के लेवल पे अंतरदशा और शरीर के लेवल पे प्रत्यंतरदशा। तो इसमें हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए अंतरदशा के लॉर्ड और प्रत्यंतरदशा के लॉर्ड के बीच अच्छे संबंध है तो क्या होगा, जो मेरा मन कहता है वही मेरा शरीर कर रहा है। इट्स अ वंडरफुल सिचुएशन। और जीवन में क्या चाहिए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है ना, कि आपने मन पे काबू पा लिया। इट्स अ वंडरफुल। पर उसका रिवर्स भी होता है ना, अगर संबंध ठीक नहीं है तो क्या होगा, मन कुछ और चाहेगा शरीर को, वो मतलब कि मन जो चाहेगा वो शरीर नहीं करेगा, ये हो गया। तो इसी स्थिति में हमारे जीवन में क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों का सृजन होता है। तो हमारे हम जीवन में जो भी अनुकूल परिस्थिति भी अगर हम महसूस कर रहे हैं, विपरीत परिस्थिति को हम अगर जी रहे हैं, तो वो सब क्या है, हमारी जो दशा चल रही है ना उसी का प्रभाव है ना। कुछ विपरीत परिस्थिति है तो समझ लीजिए ये तीन लॉर्ड के बीच में कुछ गड़बड़ है। अगर सब सही चल रहा है तो समझिए ये तीनों सेट बहुत सुंदर समप किया आपने। मेरा है एक ना। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अच्छा आप ये बताइए मुझे कि दशा लॉर्ड, अभी हमने इतना बात किया कि उसके दशा लॉर्ड के संबंध का बात कर लिया, रिलेशन बात कर लिया, शुभ अशुभ सब बात कर लिए, लग्न लग्नेश भी बात कर लिए, लेकिन वो रिजल्ट्स कहाँ कहाँ का देगा ये बताइए। अच्छा, जब किसी भी लॉर्ड कोई दशा लगती है तो उसे क्या मिलता है, पावर मिलता है। तो थोड़े टाइम के लिए समझ लीजिए कि पावर मुझे मिल गया है ना, मेरी लॉटरी लग गई है 1 करोड़ रुपीज की, है ना। सो आई एम ए हाउस वाइफ। यस थैंक यू। तो मुझे तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मेरे पास पावर है, तो मैं क्या करूँगी, जिस घर में मैं रह रही हूँ उसके रिजल्ट दूंगी। मान लीजिए मेरे और दो घर है जो मेरे नाम पे है तो मैं वहां के भी रिजल्ट दूंगी, है ना। अभी तक जीवन में जो भी मेरी इच्छाएं थी, वो कुछ इच्छाएं होती है ना सबके जीवन में जो पूरी नहीं हो पाती, तो मैं वो इच्छाएं पूरी करूंगी, ठीक है। और मेरे घर में मेरे साथ जो रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, या मान लीजिए खुशबू जी है अभी मेरे साथ तो मैं उनके भी रिजल्ट दूंगी, है कि नहीं। और मेरा नक्षत्र क्या है, मेरा मायका और मेरा ससुराल, तो मैं वहां के भी रिजल्ट दूंगी, है ना। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे कोई ग्रह को पावर मिलता है तो वो ग्रह जहां बैठा है वहां के रिजल्ट देगा, जहां का लॉर्ड है वहां के रिजल्ट देगा, जहां पर उसकी दृष्टि है वहां के रिजल्ट देगा, उसके साथ संगत में जो ग्रह बैठे हैं उसके भी रिजल्ट देगा, और जिस नक्षत्र में वहां के भी रिजल्ट देगा। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। सो वंडरफुल ना। यस तो मुझे ये बताइए कि ना जब हम किसी का चार्ट देखते हैं ना, तो चार्ट में कुछ प्लैनेट्स अस्त होते हैं, तो अभी मान लीजिए किसी अस्त प्लैनेट की दशा लगी तो वो कैसे रिजल्ट देगा हमें। वेरी नाइस क्वेश्चन तेजल जी। ऐसा समझिए कि अस्त, पहले तो ये समझना है कि अस्त किसे कहते हैं। देखो जब सूरज के सामने, सन, जो सन के पास जब कोई भी ग्रह बहुत नजदीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त मतलब कि वो जल रहा है या तप रहा है। और उसकी जो क्षमता होती है कोई भी चीज देने की या फलित करने की, वो कम हो जाती है। इसको कैसे समझें? देखो पहले तो ये क्यों जला, आज एक ही सन क्या है, एक बॉल ऑफ फायर, फुल ऑफ फायर, अग्नि है उसमें। और कोई उसके पास जाएगा तो क्या होगा, एसी जैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं। लगेगा ना उसे, वो जलेगा, कोई उसके पास जलेगा वो जल जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हमारे चार्ट में कोई ग्रह कंबस्ट होके बैठ जाता है और उसकी दशा लग जाती है तो आपकी दुर्दशा हो जाती है। अब फॉर द काम,
सेवेंथ लॉर्ड की दशा लग गई। सेवेंथ लॉर्ड मतलब आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर। अब आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की वो कंबस्ट है और उसकी दशा लग गई है, तो आपके रिलेशन या आपकी अंडरस्टैंडिंग उनसे zigzag ऐसी हो जाएगी, इकोन भी स्मूथ। तो ऐसे ये कंबस्ट ग्रह ऐसे रिजल्ट्स देते हैं, मतलब रिलेशनशिप जो है हमारा जिसके साथ उसका जूस निकाल देते हैं, वो जूस निकल जाता है बाद का, रिलेशनशिप कैसा रहेगा वैसा हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। वैसे आपने जो बोला कि ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो कंबस्ट हो जाता है, वैसे ही कोई ग्रह जब सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तो वो वक्री हो जाता है ना। तो ये भी जान लेते हैं कि अगर वक्री ग्रह की दशा लगती है तो वो कैसे रिजल्ट देगा। तो ऋषि पाराशर जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि जो किसी कोई ग्रह वक्री है उसकी दशा लगती है तो वो जहाँ का आपके चार्ट में से जो प्रॉमिसेस दिए हैं है ना, जिस हाउस से रिलेटेड जहाँ का वो लॉर्ड है, तो उसके लिए आपको बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब यू हैव टू पुट योर मोर एफर्ट्स। हम जब चार्ट पढ़ते हैं किसी का तो ऊपर तो होते 12 हाउसेस, उसमें कुछ ग्रह यहाँ 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 बैठे हैं, ठीक है। उसके नीचे ना हम देखेंगे ना तो हर प्लेनेट के सामने एक डिग्री लिखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए शुक्र का 7 डिग्री है ना, फिर चंद्र का है 15 डिग्री है, फिर मंगल का है 23 डिग्री। तो ये जो डिग्रीज हमें दी जाती है उसको क्या हम, अब जो दशा लगती है उस ग्रह की, तो उसको हम कैसे रिलेट करेंगे, उसका क्या महत्व है जो डिग्री दी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तेजल जी, डिग्री का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो ग्रह की दशा लगी है, जो आपको प्रॉमिस देने बैठा है और उस समय दशा में वो डेली मैनिफेस्ट होने लगता है, तो वो पूरा जो पीरियड होता है, जो एज पीरियड है ग्रह का, जरूरी नहीं वो पूरे एज पीरियड में वैसा ही रिजल्ट दे। इसको और समझते, हर राशि 30 डिग्री की होती है, जब हम उसे 3 भाग में बांट देते हैं तो हर एक भाग 10 डिग्री का हुआ, और हर एक 10 डिग्री का जो पार्ट बना वो एक दृष्टिकान होता है, ठीक है। वैसे 0 to 10 डिग्री इज 1 दृष्टिकान, 11 to 20 डिग्री इज 2nd दृष्टिकान, अगेन 21 to 30 डिग्री इज 3rd दृष्टिकान। अब जैसे आपने कहा कि कोई चार्ट में अगर शुक्र है और शुक्र 7 डिग्री का है, 7 डिग्री, तो वो कौन से दृष्टिकांड में आया? फर्स्ट, राइट, फर्स्ट दृष्टिकांड में आया। तो वो फर्स्ट दृष्टिकांड मतलब वो 20 इयर्स की जो उसकी एज साइकिल है और वो दशा में आ गया, तो वो कब रिजल्ट देगा? पहले स्टेज शुरू, ना कि मिडिल में और ना कि एंड में, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है, अगर वक्री ग्रह की दशा लग जाए तो हम ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन अलग होता है इसका। अगर वक्री ग्रह है कोई राहु ले लो, 4 डिग्री का है आपके चार्ट में, तो वो हम लोग 4 डिग्री काउंट नहीं करते, उसको हमको 30 डिग्री माइनस 4 कितना हुआ? 26 डिग्री। 26 डिग्री उसका उसकी असली डिग्री है क्योंकि वो वक्री है, तो उसको माइनस करके हम कैलकुलेट करते हैं। अब वो 26 डिग्री अब कौन से दृष्टिकांड में आई? थर्ड, वेरी गुड, थर्ड, तीसरे नंबर पे 21 से लेके 30 डिग्री। तो अब वो जो थर्ड दृष्टिकांड में आई है तो वो कहाँ के रिजल्ट देगा? सबसे लास्ट, उसकी लाइफ उस साइकिल के सबसे लास्ट, ना कि फर्स्ट में ना कि मिडिल। और देखिए राहु और केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं तो उनका डिग्री तो हमें ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा। बढ़िया आपने बताया है ना।